गोल सेट करने से पहले क्या करना चाहिए उसकी भी बात कर रहे हैं यहां पर। सिर्फ ये नहीं कि गोल को अचीव कैसे करना है, ऐसे ही ये जो पैसे से रिलेटेड आपके जो गोल्स हैं, तो गोल सेट करने से पहले अपने आप से पूछो कि उस गोल को अचीव करने के लिए जो करना पड़ेगा क्या उसमें मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है, या गोल अचीव होने के बाद जो मिलेगा उसमें इंटरेस्ट है। दोनों में बड़ा फर्क है, वहां एफर्ट बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा और रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं आप टूट जाओगे, या तो उस काम को छोड़ दोगे या अपना एफर्ट लगाना बंद कर दोगे या नेचुरली वहां पे आप नहीं कर पाओगे। जब भी कुछ भी अननेचुरल होता है तो उसको हम सस्टेन नहीं कर सकते। जैसे हमारा एक नेचुरल ब्रीदिंग का पैटर्न है, उसमें कोई एफर्ट की जरूरत है, नेचुरली अपने आप चल रही है। बट अगर आपको बोला जाए कि पूरे दिन इसी तरह से आपको ब्रीद करना है, जैसे कछुआ करता है, अब आपको बोला जाए पूरे दिन आप जो चाहते हो आपको मिल जाएगा, क्या चाहिए, मुझे जॉब चाहिए जहां से मेरे को 1 लाख रुपए महीने का आ जाए, ठीक है, तो आप एक्साइटेड तो हो जाओगे सुन करके। अगर आपको कोई बड़ा अमाउंट दिया जाए तो ठीक है ये करो, उसके बाद में 10 लाख रुपए मिलेगा और मैं तैयार हूं, मैं करूंगा। कर पाओगे क्या? क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपकी जो एक नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल जो कंपोजिशन है आपके बॉडी माइंड जो स्ट्रक्चर है, उसके थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, वहां फंस जाओगे। इसी तरह से पैसा कमाने के लिए जो भी करने वाले हो उसमें आपका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चल जाएगा, बिल्कुल ही उससे अपोजिट है जो आपकी पर्सनैलिटी है तो फंस गए, फिर मेरी सारी बातें बेकार है। इसलिए मैं बातें कर रहा हूं क्योंकि बातें तभी काम की है जब ये पहला काम आपने ढंग से सोच समझ के चूज किया है। इसको देख लेते हैं, द मोस्ट फूलिश वे टू लिव योर लाइफ एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट वे टू लिव योर लाइफ। द मोस्ट फूलिश क्या है? कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है जो 1 मिनट भी करना बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर भी कर रहे हो सुबह से रात तक, इसको क्या कहेंगे, इंटेलिजेंट लिविंग कहेंगे या फूलिश लिविंग कहेंगे? द मोस्ट इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग क्या है? द मोस्ट इंटेलिजेंट, कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जिसको करने के लिए अगर आपको पैसा नहीं भी मिलता है तब भी आप करोगे, और फिर ऊपर से पैसा भी बहुत मिल रहा है, ये मोस्ट इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग नहीं हो गया? मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ यही आपके साथ होना चाहिए या यही हो रहा है, आपको देखना है आप कहां पर हो। अगर यहां हो तो कोशिश तो करो थोड़ा इधर उधर शिफ्ट होने की, अगर यहीं पे आप जीते रहे द मोस्ट फूलिश वे ऑफ लिविंग, हाँ ठीक है जिंदगी तो निकल जाएगी, टाइम तो निकल जाएगा, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल सब निकल जाता है। द पॉइंट इज, आर यू लिविंग योर लाइफ इंटेलिजेंटली और फूलिश, और इन दोनों के बीच में, इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में क्या है? कोई ऐसा काम जो करना आपको बहुत पसंद नहीं भी है, मतलब है भी और नहीं भी है, ऐसे भी काम होते हैं ना, हाँ ठीक है गाड़ी चल जाती है, तो आप बीच में हो, वो भी बुरा नहीं है, एटलीस्ट यहां से यहां तक तो आए, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी शायद यहां से वहां भी पहुंच जाओगे कभी ना कभी।